आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोहा आलू कटलेट्स की रेसिपी। इन कटलेट्स को आप काफी कम सामग्री के साथ झटपट बना करके तैयार कर सकते हो और ये काफी क्रंची बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए जानते हैं पोहा आलू कटलेट्स को कैसे बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता, क्रिएटिव विनीता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन को जरूर से प्रेस करें। पोहा कटलेट बनाने के लिए मैंने लिए है 1 कप पोहा, जिसको मैंने चलनी में छान लिया है। अब इसे हम साफ पानी से धोकर तैयार करेंगे। अच्छे से इसे आप साफ पानी से धो लें। और थोड़ा सा पानी इसमें हम डालकर इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। करीबन 5 मिनट बाद हम पोहे को चेक करेंगे। पोहा एकदम सॉफ्ट हो चुका है, इसी कंडीशन में हमें पोहा चाहिए। अब इसे हम किसी बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 उबले हुए आलू, जिनको मैंने उबालकर छीलकर मैश करके रखा था। ये ठंडे आलू है, गर्म आलू का हम प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा, इससे इसका फ्लेवर काफी अच्छा आएगा। थोड़ा सा हम डाल देंगे काला नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ्रोजन पीस। आप अपनी मनपसंद की सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हो, चाहो तो कॉर्न भी ऐड कर सकते हो, चाहो तो गाजर को घस के भी ऐड कर सकते हो। थोड़ी सी डाल दी मैंने बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, साथ ही ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक। थोड़ी सी डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर और जरा सी डालेंगे हल्दी पाउडर। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप चावल का आटा। इन सबको मैं एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर रही हूँ ताकि मिक्स करने में हमें आसानी हो। और हाथों की मदद से अच्छे से इन सबको हम मिक्स करेंगे। एकदम डो की तरह हमें इसे मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसे हम कंबाइन कर लेंगे। थोड़ा सा पोर्शन लेके देखेंगे, ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, मतलब मिश्रण हमारा तैयार है। अब जितना बड़ा आपको कटलेट बनाना हो उतना बड़ा पोर्शन ले और हाथों की मदद से कटलेट का आप शेप दे दे उसे। मैं आज राउंड बना करके तैयार कर रही हूँ, आप चाहो तो ओवल भी बना सकते हो। ये पहला कटलेट हमारा बनकर तैयार है, इसे किसी थाली में हम ट्रांसफर कर लेंगे। इसी तरह से बाकी के कटलेट्स भी हम बना करके तैयार कर लेंगे। सारे कटलेट्स हमने बना करके तैयार कर लिए हैं, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। एक बोल में मैंने लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पानी डालकर एक स्लरी बना लेंगे हम पतली सी। इस स्लरी हमारी बनकर तैयार है। 4 ब्रेड स्लाइसेस को मैंने मिक्सी में चला लिया था और ब्रेड क्रम्स बना लिया था। अब एक कटलेट लेंगे, इसमें हम डीप करेंगे और ब्रेड क्रम्स से अच्छे से हम चारों तरफ से कोट कर लेंगे। इसे किसी थाली में ट्रांसफर कर लेंगे। मैं आपको और एक करके बताती हूँ। कटलेट लेंगे, स्लरी में डीप करेंगे और अच्छे से ब्रेड क्रम से चारों तरफ से हम कोट कर लेंगे। इसी तरह से कुछ कटलेट्स को मैंने ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया है और कुछ कटलेट्स को मैंने एक डब्बे में ट्रांसफर कर लिया है। इनको अगर आप चाहो तो 3 से 4 दिन के लिए फ्रीजर में स्टोर करके आप रख सकते हो और जब चाहो इन्हें फ्राई कर सकते हो। कटलेट को फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा मीडियम गर्म है, गैस की आंच को हम लो टू मीडियम रखेंगे और कटलेट्स को इनमें हम ट्रांसफर कर देंगे। और 3-4 मिनट के लिए इसे हम बिल्कुल भी पलटेंगे नहीं, आराम से धीमी धीमी आंच पे इन्हें हम सिकने देंगे।
करीबन 3 मिनट बाद हम कटलेट्स को चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से कटलेट्स हमारे फ्राई होके तैयार हुए हैं। आप इसी तरह 2 चम्मच की मदद से कटलेट्स को पलटे, आपके कटलेट्स कभी टूटेंगे नहीं। दूसरी साइड से भी हम 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेंगे। करीबन 3 मिनट बाद हम कटलेट को चेक कर रहे हैं, ये दूसरे साइड से भी अच्छे से सिक कर तैयार है। कटलेट्स को हम टिश्यू पेपर पे ट्रांसफर कर लेंगे। सारे कटलेट्स को हमने टिश्यू पेपर पे ट्रांसफर कर लिया है। आप देख सकते हो बड़े ही अच्छे कटलेट्स हमारे फ्राई होके तैयार हुए हैं। इसी तरह से बचे हुए कटलेट्स भी हम फ्राई कर लेंगे। कटलेट्स को हमने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। कटलेट्स हमारे सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इस विधि से कटलेट्स जरूर बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर से शेयर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।